अमेरिका के शिकागो में फ्रीडम डे परेड के दौरान अंधाधुंध फायरिंग से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। आज़ादी के जश्न की परेड मातम में तब्दील हो गई। हर कोई जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। हर तरफ चीख और पुकार मच गई। दरअसल अमेरिका के वक्त के दौरान सुबह करीब 10 बजे शिकागो के इलियानोइज में हाईलैंड पार्क में आज़ादी की परेड निकल रही थी। सब कुछ नॉर्मल सा था, लेकिन तभी अचानक अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि एक सरफिरे ने परेड में शामिल लोगों पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर दी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग लहूलुहान हो गए। ज़मीन पर जगह जगह खून के निशान नज़र आने लगे। परेड को रोक दिया गया और आगे होने वाले सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। हमले के बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। शिकागो में फ्रीडम डे परेड के दौरान फायरिंग में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 59 लोग इसमें घायल हो गए। पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस पर इलिनॉय के हाईलैंड पार्क में हुई मास शूटिंग की घटना के एक आरोपी रॉबर्ट क्रीमो को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। 22 वर्ष के इस युवक को घंटों की मशक्कत के बाद पकड़ा गया। FBI समेत बाकी कई एजेंसियां इनसे पूछताछ कर रही है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। ड्रोन कैमरों से यहां नज़र भी रखी जा रही है। पुलिस ने ट्वीट कर कहा कि हम स्वतंत्रता दिवस परेड रूट में हुई फायरिंग में स्थानीय हाईलैंड पार्क पुलिस की सहायता कर रहे हैं। कृपया जिस जगह ये घटना हुई है वहां से थोड़ा दूर रहे और सुरक्षा एजेंसियों को स्थिति संभालने दें। इस वारदात पर आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।